रावण संहिता एक प्राचीन और चमत्कारी ग्रंथ है। रावण ने बहुत सी ऐसी तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया है जिससे व्यक्ति अपनी गरीबी को मिटा सकता है, निर्धनता दूर कर सकता है। रावण अच्छे से जानते थे कि कली काल में व्यक्ति इस कलयुग में व्यक्ति धन से तरसेंगे, धन की चाहत रखेंगे, कम मेहनत करके अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे। और दूसरी तरफ कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो काफी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, कंगाल के कंगाल ही रह जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए रावण जी ने रावण संहिता जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की है। रावण बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था और तंत्र की अच्छी जानकारी थी। आज मैं आपको रावण संहिता के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको घर में रखने से कंगाल व्यक्ति भी मालामाल हो जाता है, धनवान बन जाता है। ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी को धन की वर्षा करनी पड़ती है, ऐसे घर पे धन देना पड़ता है। अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं तो रावण संहिता के अनुसार रावण जी द्वारा बताई हुई जानकारी बताऊंगा। ये सामग्री आप भी अपने घर में रखें। आज ऐसी ही 8 चमत्कारी वस्तुओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इनमें से एक भी वस्तु अगर अपने घर में रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको 8 की 8 मिल जाए फिर तो कह नहीं क्या, आप भी जल्द धनवान बन जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट में लिखें जय श्री राम। रावण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उल्लू का पंख लाकर शुक्रवार के दिन अपने घर में स्थापित करता है, लाल वस्त्र में इसे लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखे या अपनी तिजोरी में, धन पेटी में रखे, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। दूसरी वस्तु है गोरोचन। गोरोचन को बहुत ही पवित्र माना जाता है, यंत्र लेखन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गाय माता के शरीर में वास करते हैं। जिस भी घर में स्थापित होता है उस घर पर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है और साथ ही माता लक्ष्मी ऐसे घर की दरिद्रता को दूर करती है। रावण कहती है कि धान का बांदा भी बहुत ही चमत्कारी होता है, अगर किसी को ये धान का बांदा प्राप्त हो जाए, इस धान के बांदे को अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं या चांदी की डिबिया के अंदर इसको रखते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं आप इसे, तो आपको सारी उम्र ये धन दौलत प्रदान करते रहेंगे। अगली वस्तु है काले घोड़े की नाल। काले घोड़े की नाल को शनिदेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनका शनि भारी हो उन्हें इससे लाभ मिलता है। जिस घर के बाहर काले घोड़े की नाल टंगी होती है ऐसे घर की दरिद्रता साक्षात शनिदेव दूर करते हैं, संकटों से रक्षा होती है और ऐसे घर में साक्षात माता लक्ष्मी वास करती हैं। और ऐसे घर में किसी भी प्रकार की तंत्र विकार अभिचार क्रम का कोई भी प्रभाव नहीं होता। अगली वस्तु है मित्रों नाव की कील। अगर नाव की कील की अंगूठी बनाकर कोई व्यक्ति धारण करता है तो रावण जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, धन दौलत में खेलते हैं। अगली वस्तु है काली बिल्ली की जेर। जो काली बिल्ली की जेर होती है इसे पैसे खींचने की चाबी माना जाता है। जिस भी घर में काली बिल्ली की जेर चांदी की डिबिया में रखी रहती है वो घर हमेशा अनधन से भरा रहता है। 3 लेयर वाला धतूरे का पुष्प ये बहुत ही कीमती माना जाता है, लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। अगर आपको किस्मत से कहीं से 3 लेयर वाले धतूरे का पुष्प मिल जाता है, फूल मिल जाता है, तो इसे भगवान शंकर को अर्पित करें और उसके बाद इसे आप अपने घर में रखिए, अपने पूजा स्थान में रखिए, अपनी तिजोरी में रखें, ये धन में बरकत का कार्य करता है। साथ ही साथ रावण ने ऐसे व्यक्तियों के लिए भी बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है जिनके जीवन में ज्यादा ही धन का अभाव है। ऐसे व्यक्तियों को 11 गोमती चक्र और 11 कोड़ियां सिद्ध की हुई लाल कपड़े के अंदर बांधकर अपने पूजा स्थान में स्थापित करनी चाहिए या आप पूजन करने के पश्चात इसे अपनी तिजोरी में, अपनी धन पेटी में भी रख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, ऐसा घर हमेशा अनधन से भरा रहता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये थे मित्रों रावण संहिता की कुछ चमत्कारी एवं अलौकिक प्रयोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।